पिछले भी सीन ऐसा हुआ कि मेरे फ्रेंड जैसे मेरे को कॉल किया और बोलता है कि भाई तेरे डॉक्टर के पास जाके आ चुका है क्या? मैं बोला नहीं भाई, तूने बोला दोपहर में नहीं जाएंगे, मैं सो गया भाई घोड़े बेच के। तो भाई मैं सोया था, वो फोन लगाता है, अबे जल्दी आ जल्दी यार, मेरे को भी डॉक्टर के पास जाना है यार, मेरे को भी आके कुछ इलाज करवाना है। क्या बोलो भाई, सो रहा हूँ यार, कल जाते हैं। तो बोलता है नहीं अभी जाना, अभी जाना, अभी जा रहा है। तो भाई देखो भाई, अपने को भी तो काम है, अपने को जाना ही पड़ेगा। तो आई डिसाइडेड कि भाई अब मैं जाऊँगा, और आज के इस व्लॉग के बाद इस चश्मे का जो रोल है वो कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज हमारा न्यू आ जाएगा कॉन्टेक्ट लेंसेस, वही बोलते हैं ना उसको। इस सब क्या देखना पड़ रहा है। हाँ गाइस, तो चलिए चलते हैं, और मैं पहले ऊपर का ड्रेस चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि भाई वही से जिम भी चला जाऊँ, क्योंकि लेट हो गया यार, शायद 6:30 बज चुके हैं। तो जैसे कर लेता हूँ, फिर मैं जैसे जिम भी चला जाऊँगा, जैसे अभी सो के उठे और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बट चलो कोई ना। तो मैं ये वाली टी शर्ट पहन लूँ, क्योंकि वहीं से जिम भी जाना है ना, तो टी शर्ट वाला काम आराम से हो जाएगा। और राइट, बाय द वे मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया है, बाय द वे ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि मैं इसी को पहन के जिम भी चला जाऊंगा। बाय द वे आपने मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि क्या आपको भी जिम का व्लॉग चाहिए, मतलब हाँ यार क्या जिम का व्लॉग मुझे डालना चाहिए, आप लोग यार प्लीज कमेंट में बताना, सर्वे करो इस चीज़ों की कमेंट में कि हाँ जिम का व्लॉग लाओ भाई। आप नहीं बोलोगे मतलब तो नहीं लाएंगे जिम के लिए भाई, काफी सारे लोग वहां पर रहेंगे, तो उनके सामने व्लॉगिंग करेंगे, व्लॉगिंग करेंगे। चलो देखते हैं, और मैं चलो यार फिर से थोड़ा रेडी हो जाता हूँ। और मैं सोच रहा था कि मेरे को ये वाले शूज पहनने चाहिए या फिर ये वाले, ये है मेरे शूज, इसके बारे में बात कर रहा था, तो इसको पहन लेते हैं। यार ये प्योर वाइट है यार, ऐसे चीजें मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, स्पेशली शूज। ये धूला नहीं है लग रहा है यार, तो इसके यहाँ पर रख देते हैं, मम्मी का काम आधा हो जाएगा। अब उसके बाद चाबी और मास्क पकड़ते हैं, उसके बाद बाइक या फिर स्कूटी, स्कूटी की चाबी लाऊं तो ऑब्वियसली स्कूटी में ही जाना पड़ेगा। Itu 134. Apa itu 134? Gak ada duanya. Alah! यही बंदा है जिसने मेरे को उठाया दोपहर के, बोले रात में लेके आया, क्या बोलना चाहोगे भाई तुम? भाई ये रात के 8 बजे तक सोते रहता है, क्या ब्लॉगर बनेगा भाई? ले ले भाई मौज ले ले मेरी, चलो भाई चलते हैं देखते हैं। क्या बोलना चाहिए, चाय पीते रहता है यार, हट साले, टाइम पास करता है ये, ब्लॉग ही क्या कर रहा है भाई। यहाँ पे निखिल भाई हल्का होने जा रहे हैं गाइस। निखिल चौहान भाई की गर्लफ्रेंड है वो तो। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। सीन ऐसा है कि अपने निखिल भाई को इलाज करवाना है, क्या करवाना है? भाई हमारा चेकअप होने वाला है, भाई का लेंस आने वाला है, भाई को फ्राइडे को ही आने वाला था, लेकिन भाई का किस्मत ही फूटा है भाई, आज मंडे हो गया, भाई को भी नहीं मिलता, भाई का फंक्शन भी हो गया सब, क्या नहीं भाई को मिला ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं वाला भाई। खाली हो गया पूरा आज, हमारा जिम भी छूट जाता है, सब छूट जाता है, लेकिन आज लगता है फिर से जिम की छुट्टी हो जाएगी, और घर में फिर डांट पड़ने वाली है मेरे को, क्योंकि मैं 3-4 दिन से घर में गाली खा रहा हूँ जिम के लिए।
हॉस्पिटल में। अरे भाई इतने चोटिले भाई, इतने चोटिले भाई को एक घंटा लग गया। अरे भाई बहुत चोटिले लेंस के, बहुत चोटिले है ना, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा गाइस, बहुत ही ज्यादा। फाइनली हम लोग अभी घर आ चुके हैं, तो मैं पूरा आज क्या क्या हुआ। ओ मेरे भाई चलो चश्मा, तुम्हारा तो छुटकारा मिल गया हमको। तो ये देखो चीज़ें, ये कुछ चीज़ें हैं, और ये रहा अपना कॉन्टैक्ट लेंसेस। और बाप रे बाप, तो ये कॉन्टैक्ट लेंसेस है ये वाले, एंड देन उसके बाद ये सोल्यूशन है उसका। फिर उसके बाद अगर आँख अभी लाल हो जाता है तो ये वो चीज़ है। फिर उसके बाद अगर आँख जलन करता है, फिर खुजली वगैरह होती, तो उसके लिए ये वाला एक लेंस है। ये लेंस नहीं, सॉरी सॉरी, ये मतलब ये आई ड्रॉप है। बाप रे थक गया यार मैं। आज का व्लॉग काफी थकावट वाला व्लॉग था। बाय द वे ये हमारा कॉन्टेक्ट लेंसेस, क्योंकि एकदम छोटे सी डिब्बिया में है, इसको कॉन्टेक्ट लेंसेस ही बोलते हैं ना, या इसका कुछ और भी नाम होता है पता नहीं। बट ये देखो भाई, इसके इतने सारे चोचले है भाई, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज्यादा चोचले है। बट यस, चोटे तो झेलनी पड़ेगी। एंड डॉक्टर ने मेरे को एक और चीज बताई कि अगर आपको परमानेंटली चश्मा रिमूव करना है, परमानेंटली अगर आपको अपनी आंखों का नंबर हटाना है, उसके लिए लेजर ऑपरेशन होता है, जिन्होंने डॉक्टर ने मेरे को बताया। मैं ये क्या होता, तो मैंने उसको पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो अंदर में जो टिश्यूज होते हैं उसको निकालते हैं, ये वो, पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, एंड 20 साल के ऊपर वाले उस चीज़ को कर सकते हैं। अभी तो हमारी एज 18 है, तो हम उस चीज़ को अभी कर नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि फिर लेंस लगाने की जरूरत नहीं है और चश्मे लगाने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा के लिए आपका जो आँख है वो सही कर देगा। बोला भाई ये भी सही है, तो 2-3 साल बाद तो देखते हैं क्या करना है क्या, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है वो। और भाई देखा आपने वीडियो में कितना टाइम लगा मेरे को इसको लगाने में और निकालने में। एक्चुअली डॉक्टर सिखा रहे हैं कि करना है भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड है। पर अगर आप लोग आज के ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कर देना, और चैनल पे ना तो यार सब्सक्राइब कर लो। क्या करो, जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग जैसे 200K भी तो कर रहे हैं, 200K, 300K, फिर 400K, फिर मतलब आगे बढ़ते रहना। तो सब्सक्राइब नहीं करो तो आप कैसे बढ़ेंगे। इस बात यार सब्सक्राइब मार लो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जल्दी से पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।